तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो कितने लोग रेडी हैं क्लास के लिए या सिर्फ मस्ती करनी है? क्या बात है, ये हुई ना बात। तो आज के क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं जानना चाहूँगा कि पिछले बार का मेरी बात कौन पूरी करने वाला है? पिछले बार का किस किसने असाइनमेंट? प्रैक्टिकल यस, प्रैक्टिकल असाइनमेंट कितने लोगों ने पूरा कर लिया है? चलो छोड़ो, कितने लोगों ने पूरा किया है, मैं पूछता हूँ कितने लोगों को याद है? हैंड रेज करो। हाँ, सॉरी ने हैंड रेज किया है। चलो सॉरी, बताओ क्या था पिछले पिछले वीक का, पिछले मंथ का प्रैक्टिकल असाइनमेंट? सर, जो उसके पहले जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट वो पेरेंट्स की मदद से जो वीडियो बनाया था, तो अगले वीडियो में पेरेंट्स से पूछना था कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, और वीडियो की लिमिट 1 मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए अच्छा, 1 मिनट मिनिमम होना था, ठीक है। और कोई? हाँ, आदित्य ने हैंड रेज थी। किया यस था। यस आदित्य, आप बताओ क्या था पिछले वीक का आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट? सर, जो इससे पहले प्रैक्टिकल असाइनमेंट हुआ रहा सर, सी के सर फीडबैक लेना था सर पेरेंट्स से। पेरेंट्स पेरेंट्स से फीडबैक लेना था। अर्चना, आपके हिसाब से क्या था? के साथ वीडियो बनाना था, और फिर सेल्फ स्टाइल, यस ये वाला था ना। ओके, नो सर, तो उनका एक्सपीरियंस कैसे था? बेटा प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो, तो पेरेंट कैसे एक्सपीरियंस दे सकते हैं? चलो सूर्यांश से पूछते हैं। सूर्यांश, आप बताओ क्या था प्रैक्टिकल असाइनमेंट? यस सर, पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट्स को वीडियो बनानी थी, और पेरेंट्स का फीडबैक लेना था कि उनके बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है एबेकस सीखने के बाद। अच्छा ठीक है, काफ़ी लोगों को याद नहीं है मुझे लगता है, काफ़ी लोगों को याद नहीं है मुझे लगता है। जो आपके लास्ट वीक की जो असाइनमेंट थी, ठीक है, सिंपल था, बहुत सिंपल था। क्या था कि जो एक्सपीरियंस, एग्जाम करना था, क्या एग्जामिनेशन क्या एक बार फिर से रिपीट करो, थोड़ा देना तेज़ बोला करो, आवाज़ रुक जाती वहीं। पता है ना, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ तक आने के लिए, आवाज़ में थोड़ी पावर होनी चाहिए। बताओ बताओ, तेज बोलो थोड़ा सा। असाइनमेंट देना था। लेवल असाइनमेंट देना था, यस लेवल असाइनमेंट देना था। कितने लोगों ने दे दिया? किसी ने नहीं दिया ना, वेरी गुड। हैंड रेज करो जिन जिन ने नहीं दिया अभी तक। वेरी गुड, ताली बजा दो उसी हाथों से, उन्हीं सर हाथों से, उन्हीं हाथों से तालियां बजा दो, ताली बजा दो। एक हाथ से बजाना है ना, एक हाथ हैंड रेज किए थे, एक से बजाओ। चलो बजाओ बजाओ बजाओ, कैसे बजाते हो, बजाओ ताली। हाँ सर देखो, आदित्य बता बजा रहा है, आदित्य बजा रहा है, उसका दिमाग देखो, वेरी गुड, बजाओ ताली। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, अच्छे से ताली बजनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट, हाँ ये हुई ना। अच्छा ये सा, वेरी गुड, देखो दिमाग बहुत बढ़िया। मुझे सुन के बहुत प्राउड फील हो रहा है, पता है कि हाँ ये मेरे होनहार बच्चे हैं, मज़ा आ गया सुन करके। मेरे लिए भी, मैं भी आप लोगों के लिए ताली बजा रहा हूँ, वेरी गुड। ठीक है, एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, एक सिंपल सा जो आपका लास्ट वीक जो हमने क्लास किया था, शॉर्ट टाइम पे क्लास नहीं था, इवन वो एक गेट टुगेदर था हमारा सभी बच्चों के साथ, जिसमें सॉरी आप नहीं थे डेफिनेटली। हमने आपको दिया था कि यस चलो आपने जो पेंडिंग असाइनमेंट नहीं किया है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा वो चीज़ें आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है, बट आपको अपना लेवल असेसमेंट क्लियर कर लेना है। लेवल 4 की असेसमेंट्स लाइव हैं, आपको जाकर उसे क्लियर कर लेना है, ठीक है। और उससे पहले एक असाइनमेंट क्या था, सिंपल सा था कि आपको अपने पेरेंट के साथ में बैठना है, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। क्या बताना है? अपना एक्सपीरियंस बताना है, वीडियो में हमें भी बताना है और पेरेंट को भी, बिहाइंड द कैमरा, कैमरा से पहले आप बताओ कि आपने क्या क्या सीखा है, ठीक है। उनको बताओ कि हमने सीखने के बाद ये चीज़ें फेस करी हैं, ये चीज़ें हमको आने लगा है, ये चीज़ें जो हैं हम मास्टर कर लिए हैं, ये चीज़ें हम मैं आपको सिखा सकता हूँ, राइट।
तो कहीं कहीं पे ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपके पेरेंट्स से आप जब डिस्कस करते हो ना, इवन पेरेंट्स से नहीं, किसी से भी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करते हो तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अगर कोई चीज़ें आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो वो रिजेक्शन या ऑब्जेक्शंस कहाँ से आएंगे, पेरेंट्स आएंगे। चलो आपसे, आपने बताया कि पापा मेरे को, मम्मी मेरे को जो है एडिशन आने लगा, सब्ट्रैक्शन आने लगा, आप इतने मिनट में इतने क्वेश्चन आप कर सकते हो मेरे से, मैं बिना सोचे बिना पेन पेपर का इस्तेमाल किए उसके आंसर्स दे सकता हूँ। तो पेरेंट बोलेंगे अच्छा वाह बेटा ऐसा कर सकते हो तुम, उनके लिए भी सरप्राइजिंग होगा ना, अरे वाह मेरा बेटा ये कर सकता है। तो तुम वहाँ पे कॉन्फिडेंस उनको आप दिखा रहे हो, तो आप क्या करेंगे, ठीक है मैं पूछती हूँ आपसे क्वेश्चन, मैं पूछता हूँ तुमसे क्वेश्चन, चलो बताओ, अब वो पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, राइट। तो हो सकता है कि आप लोग 70% चांसेस है आप उसके करेक्ट आंसर दो, 30% चांसेस हैं कि आप वहाँ पे कहीं पे अटक जाओ, बिकॉज आपको सरप्राइजली एक नए फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। बट जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे अपने साथ तो आपको वहाँ पे फिर एक ऑब्जेक्शन आएगा कि सर पेरेंट ने मुझसे पूछा मुझे चेक करने के लिए लेकिन मैं अटक गया, या फिर मेरे को ये प्रॉब्लम आई मैं उसको नहीं सॉल्व कर पाया, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्शन को लेकर के आप मेरे पास आओगे, इस क्लासरूम में आओगे और डिस्कस करोगे, तो होगा क्या कि वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके दोबारा किसी के पास जाएंगे तो डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे, इज दैट राइट। तो कहीं कहीं पे आपको खुद को चेक करना है, ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट किसके लिए है, आप लोगों के लिए है। ये आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट का नाम क्यों दिया गया है, इसे क्यों दिया गया है नाम, इसको बताओ, प्रैक्टिकल असाइनमेंट का नाम हमने क्यों दिया है इस चैलेंज को, वाई, बोलो बोलो, सभी के पास माइक्स ऑन है, सभी लोग बोल सकते हैं, वाई वी कॉल्ड इट प्रैक्टिकल असाइनमेंट। सर, क्योंकि सर हमें उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, और कोई, प्रैक्टिकल होमवर्क होता है। चलो और कोई, ओपन फॉर ऑल, उसमें हम प्रैक्टिकल चीजों को करते हैं सर, और इससे बूस्ट होता है सर कॉन्फिडेंस, आदित्य चीजों करके सर प्रैक्टिकल करके की दी सर देखो उसी को कर इतनी कर इतनी वीडियो लो, बनाकर। थैंक यू थैंक यू, इतने लो आवाज़ आ रही है आप लोगों की, पता है इतनी लो आवाज़ आ रही है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आप लोगों को मैंने लास्ट 4 लेवल 5 लेवल तक ये टीच किया हुआ है, बिकॉज फर्स्ट 3 लेवल्स में आप लोगों का कॉन्फिडेंस कुछ और था, बट बीच में थोड़ा सा गैप हुआ कि आप लोगों का जो एनर्जी है वो डाउन हो गया, जैसे आप स्कूल जाना शुरू किया डाउन हो गया, इट्स नॉट फेयर। प्रैक्टिकल असाइनमेंट दो वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकल प्लस असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब क्या होता है, एक चैलेंज जिसको आपको पूरा करना है, पूरा करना है किसके माध्यम से, प्रैक्टिकली करके, एक्सपीरियंस करके, राइट। और ये कहीं ना कहीं पे जब यस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस पे आता है, जिसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ नया सीखते हो, और ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए, एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं, एग्जाम तो हम रट्टा मार के भी कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, असाइनमेंट पूरे करके कर सकते हैं, रिटर्न असाइनमेंट जो होते हैं, राइट। बट ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि आप उसको जब लेकर के जाते हो किसी के सामने तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में जो मेरे दिमाग में है कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे से सब आता है, मेरे को सब कुछ बनता है, मेरे को कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ें क्लियरिफाई हों कि यस मेरे को अभी और सीखना है, अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस आपको बता देगा कि यस मुझे सब आता है, अभी तक आप चारों में से किसी ने नहीं बोला। सूर्यांश ने मुझे रिस्पॉन्स किया था लास्ट वीक कि सर पेरेंट्स बहुत बिजी हैं या फिर मैं बहुत एग्जाम में बिजी हूँ इस वजह से नहीं बन पाया, बेटा वो मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता है अगर आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस है तो, ये सब बहाने होते हैं क्या आपकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट के लिए, इवन आपके एक्सपीरियंस के लिए आपके पेरेंट के पास 10 मिनट का टाइम नहीं है, या फिर आप एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते हो, पेरेंट के पास हमेशा समय होता है अपने बच्चों के लिए, ध्यान रखना, बशर्ते आप उनके साथ में इन्वॉल्व होते हो, नहीं आप चेक करना चाहते हो कि नहीं, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि 4 साल के बच्चे हो 5 साल के बच्चे हो तो आपको ये नहीं आता करने, या फिर आपको डर लगता है, 4-5 साल के बच्चे को जैसा बोलेंगे ना वैसा करते हैं, लेकिन आप जिस क्राइटेरिया में हो आप इस चीज़ को कन्वे कर सकते हो, आप प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो ट्राई करना, प्रैक्टिकल असाइनमेंट हम इसीलिए कराते हैं ताकि आप प्रैक्टिकली करके एक्सपीरियंस कर सको अपनी लर्निंग को कि यस मैं जो जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं
जो है सारे वर्क्स कर रहा हूँ वो मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए इम्प्लीमेंटेबल है, वो इस्तेमाल करने योग्य है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ लिया, लेवल सर्टिफिकेट कलेक्ट किए और उसको जाकर के दीवार में ऐसे पेस्ट करके चिपका दिया। इतना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका इस्तेमाल भी हमें समझ में आना चाहिए। इज दैट राइट? साउंड यस गुड? सर, इज दैट यस साउंड सर, गुड और नॉट? यस सर, तो कीप दिस इन योर माइंड। प्रैक्टिकल असाइनमेंट हम इसीलिए, प्रैक्टिकल असाइनमेंट कोई नहीं कराता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपसे मैंने लेवल कराया, लेवल की फ़ीस चार्ज करी, आपका सर्टिफिकेट पकड़ाया, चलो भैया टाटा बाय बाय, यही होता है। ठीक है, बट मैं स्कोप क्या देख रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को इस तरीके से सीखो ना कि आप उसके मास्टर बन जाओ। आप सिर्फ कंपटीशन जा करके मेडल लेकर के मत आओ, ठीक है, सिर्फ मेडल लेके मत आओ, बल्कि जो चीज़ें आप सीख रहे हो ना उसका जीवन में इस्तेमाल करना जान जाओ आप, कि कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। आप उसको अपने फैमिली में, अनदर पर्सन्स को वैल्यू देना में इस्तेमाल करना सीख जाओ, ये मैं चाहता हूँ। जब ये चीज़ें कर लोगे आप ना, तो मेडल वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे छोटी सी नज़र आएंगी। क्या छोटी सी नज़र आएंगी? क्लियर है? छोटी सी नज़र आएंगी। तो इन चीज़ों को माइंड में रखो, आप भी वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। सो ये थोड़ा सा बड़े लेवल की बात है। हम आते हैं वापस से, मैं कितने लोगों से अब क्लेरिफाई करूं कि कितने लोग मुझे कमिट करते हैं कि सर आइंदे से मैं किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करूंगा या फिर उसको डिले नहीं करूंगा, ऑन टाइम मैं सारी चीज़ें करूंगा। कितने लोग कमिट करते हैं यस मुझे? मुझे वॉइस के साथ में चाहिए। सर, यस आई कैन डू इट सर, आई एम डूइंग, यस आई विल डू इट। सर, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि ये जब करोगे ना, आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर में। आप हर वो चीज़ कर पाओगे फिर जो आप लाइफ में करना चाहते हो। ओके, सो क्लास को यस थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रूरी होती हैं, इसलिए मेरे को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आप यहीं रिजल्ट स्कोर या ये सब चीज़ों में अटके रहो। ये पुरानी चीज़ें हो गई, आज जिसके पास स्किल है उसी के पास जो है ना आगे कुछ काम करने को मिलता है, वही चीज़ कुछ सफल बनाने में आपकी मदद कर सकता है, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। तो आते हैं अपने वर्कबुक पे। वर्कबुक आप लोग निकालो, बताओ आपका स्टेटस, बताओ क्या क्या चीज़ें आपने करी हैं, किन चीज़ों में प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया है, और अगर उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाया है तो वो कौन से प्रॉब्लम है, आप वहाँ यहाँ पे वन बाय वन कन्वे करो। यस सर, बुक सर रीचेक भी हो चुकी है सर, और फिल भी है पूरी सर। बीच में निगेटिव सर प्रैक्टिस करता था सर, उसमें भी दिक्कतें आती थी, पर उसमें दिक्कत आती थी उनको मैं सॉल्व कर लिया सर बार बार प्रैक्टिस करने से। और फर्स्ट जब बुक आई थी 11th 4th की, कम्युनिकेटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी दिक्कत हो रहा था सर, पर उसको प्रैक्टिस कर के साथ कम्युनिकेटिव एडिशन एंड सबट्रैक्शन भी बनने लग गया। अब कोई डाउट नहीं है। ओके, तो क्या नई चीज़ आपने करी है पूरे, मतलब 2-3 हफ्ते का गैप था पूरे इस प्रोसेस के दौरान, क्या चीज़ें आपने नई करी हैं? सर क्या चीज नहीं करी है? नहीं 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 किया है आपने? नहीं 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 नया चीज़ क्या किया है आपने प्रैक्टिस में? सर निगेटिव सम्स के सर 1000 डिजिट तक के, 4 डिजिट तक के सर निगेटिव सम्स। ओके, मेंटल किया है, विद अबेकस किया है आपने? यस सर, विथ अबेकस सर, और मेंटल निगेटिव सम्स सर 2 डिजिट हुआ। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट कौन आ रहा है बोलो जल्दी से, शुरू करो अपने से, यस सर, बोलो बोलो बोलो। दरबार भी क्वेश्चन सर हो गया सर, रिचेक भी हो गया है, एंड सर भी नया सर नेगेटिव सर भी सर भी कर रहा हूँ। वीडियोज़ ऑन रखोगे, माइक भी ऑन रखोगे अपने अपने, सभी लोग, किसी को ऑफ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये लास्ट टाइम भी मैंने आपने सुना था, नया क्या किया है आपने, क्या नया चीज़ किया है आपने? नया सर नेगेटिव सम का सर 1000 सर। और कॉपी पेस्ट मत करो, नया चीज़ बताओ, क्या नया किया है जो सुन के कानों को अच्छा लगे।
बोलो बोलो आदित्य बोलो, नहीं रुकना नहीं है बीच में, जो बोलना है फ्लो में बोल दो, ठीक है? चलो सॉरी बोलो। सॉरी कंटिन्यू। सर प्रैक्टिस करते समय मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सर प्रॉब्लम आया था, आंसर थोड़े रॉन्ग आ रहे थे, 3 डिजिट 2 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशंस में। तो सर उसे सर प्रैक्टिस किया है। और सर नई चीज़ सर अबेकस का जो ऐप है उसकी मदद से भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, और उसमें भी सर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस, डिवीजन क्वेश्चंस सर। और ऐप की मदद से सर जैसे उसमें हम मेंटल करते हैं तो उसमें अबेकस में सेट भी करना होता है आंसर, तो वो भी थोड़ा फास्ट हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आपने एक्सटर्नल जो एप्लीकेशन है उनका यूज़ करना सीख लिया है, गुड। ठीक है, और वर्कबुक के हिसाब से क्या नई चीज़ें आपने करी हैं, मतलब कि नेगेटिव सम या फिर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन इन द लॉन्ग टर्म, क्या चीज़ें आपने करी हैं? सर डेसिमल्स पे सर वो अच्छे से एकदम बनने लगे हैं, प्रैक्टिस भी किया था सर। और 30 में से सर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रॉन्ग होता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होते हैं। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। आदित्य अर्चना आप बताओ जल्दी से, वन बाय वन। आदित्य आप कंप्लीट करो अपना, फिर उसके बाद अर्चना आप बताओगे। आप लोग को ध्यान रखना, ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? ये पूरी रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको रियल एक्सपीरियंस बताना है। ऐसा नहीं कि सूर्यांश ने बोला, सौरी ने बोला तो कॉपी पेस्ट कर दिया सुन करके, नहीं, जो आपने एक्चुअल में किया है। अगर आपने नहीं किया फिर भी आप उन चीज़ों को बताओगे यहाँ पे, ओके? क्योंकि जब तक आप अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उस पर काम ही नहीं कर सकते। हम कुछ समय के लिए उसको, ऐसा नहीं कि हमने बनाया और छोड़ दिया ताकि सामने वाला उससे कुछ देर के लिए भ्रमित हो जाए, भ्रम में नहीं डालना है। ये आपका वो है डिसीजन है, आपका एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए काम करेगा। और कैमरे पे आके बात करो थोड़ा सा आदित्य, आपकी फुल फुल वीडियो नहीं आ रही है। मूव कर लो कैमरा थोड़ा अपनी तरफ, यस प्लीज़ बोलो बोलो। यस सर। सर डिवाइड सर पहले सर अच्छे से सर डिवाइड नहीं हो पाया था, तो सर डिवाइड भी सर अच्छे से जल्दी सर फास्ट भी सर तेज हो गया डिवाइड का, तो सर इंटरव्यू हो ही जाए। हो रहा है, थैंक यू। वो सारे हो रहे हैं, विद अबेकस हो रहा है, विदाउट अबेकस हो रहा है आपका? सर विदाउट अबेकस भी सर। अच्छा चलो वो चेक करेंगे हम अभी। यस अर्चना आपकी बारी है, चलो आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। डिवाइड में 4 डिजिट क्वेश्चन होते थे वो अच्छे से नहीं बन पाते थे, और उसमें कोई डाउट आया तो एक क्वेश्चन को बार बार करने से उसको बन जा अब बनने लगा है। टिप्स वो भी अब बनने लगा है सर, निगेटिव सम भी बनने लगा, विद अबेकस या विदाउट अबेकस, दोनों दोनों? चलो तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किस में जा रहा है, विदाउट अबेकस या विद अबेकस? तबाकस। विद अबेकस, ध्यान रखना ये जितनी चीज़ें बोल रहे हो ना, मैं वो सारी चीज़ें चेक करूँगा और ये चेक करवाऊँगा भी, ठीक है? इसी से आप लोग भागते हो ना कभी कभार प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के माध्यम से, यही चीज़ें तो हम चेक करवाते हैं। हम तो वहाँ पे नहीं हैं लेकिन आपके पेरेंट हैं वहाँ पे, फिज़िकली भी हम आएंगे और आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? फिर बहुत बढ़िया, नया लेवल किस किस ने शुरू कर दिया है, लेवल 5, सॉरी आपका कंप्लीट हो गया है। सूर्यांश आप लोगों का भी जो है लेवल 4 कंप्लीट हो गया है ना, पूरा कंप्लीट, बस एग्ज़ाम देना बाकी है, ठीक है? तो उस दिन नेट प्रॉब्लम था इसलिए क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं, तो लेवल 4 वाले आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है? तो आप लोग अपना लेवल असेसमेंट बिफोर संडे आप कंप्लीट कर लोगे और उसकी स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करोगे, ठीक है? और सूर्यांश सॉरी सॉरी आपका भी जो है संडे तक में आपका भी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाएगा, तब तक आप प्रैक्टिस कर लो और आप अपना बिफोर संडे आप भी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, ओके? आज जो हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेवल, किसी को पास्ट 4 लेवल या पास्ट 5 लेवल्स किसी तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर, ठीक है तो बोल दो पहले से ही। हम नेक्स्ट लेवल नो सर, लेवल फाइव से लेवल 4 वालों का लेवल 5 से और लेवल 5 वाले के लेवल 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे,
सो अपना न्यू बुक जो है आप लोग निकाल लो। यस सर, सर वन मिनट। बोलो बोलो बोलो, कौन क्या बोल रहा है? अर्चना आदित्य कुछ बोलना चाह रहे हो, बोल दो। लेवल 5 का न्यू बुक कौन सा है? लेवल 5 का एडवांस 1 लिखा होगा, देखो एडवांस 1। यस यस ग्रेट, दैट्स दैट इज। ले आए? यस सर, आपका एडवांस 2 होगा ना? यस सर ये है। ग्रेट। हाँ बेटा एडवांस 1 होगा, एडवांस लेवल 1। ठीक है, 31st को क्या क्या प्लान है तुम लोग का? 31st को थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट सर कोई दिसंबर प्लान नहीं है। प्लानिंग कोई प्लानिंग नहीं है कहीं बाहर बाहर जाने का? नो सर, ड्यू टू न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड। अच्छा, नहीं तो इन सिटी कुछ जैसे मरिंदगढ़ में तो होता है कुछ फंक्शन वगैरह होता है, ठीक है, और बाकी नो सर, बिकॉज़ वन पीपल इन आवर कॉलोनी हैज डेथ इन भैया हिंदी बोल लास्ट। दो, हिंदी बोल दो, हिंदी बोल दो, हिंदी बोल दो। सर पिछले सप्ताह सर यहाँ के कॉलोनी के एक पर्सन की डेथ हो गई थी सर, इसलिए फंक्शन अच्छा होने वाला था। ठीक। हाँ प्रिकॉशन भी ज़रूरी है, बहुत बढ़िया। ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी हम चाह रहे हैं कि एक बार जो है 31st को हम लोग एक बार पेरेंट के साथ में बात कर लें आप लोगों के, ठीक है, और उसमें पूल पूरा खुलेगा आप लोगों का भी कि क्या क्या चल रहा है पिछले 1-2 महीने से। तो चलो फिर शुरू करते हैं, सभी ने बुक ले लिया ना? बुक, अबेकस, पेंसिल दिखाओ मुझे, शो करो एक बार। एडवांस लेवल 2। यस बेटा हैंड से दिखाओ ना, जैसे देखो सॉरी दिखा रहा है ना वैसे दिखाओ, सॉरी दिखा रहा है वैसे। कैमरे से छिड़खानी मत करो, फोन एक जगह पे रहने दो, माइक कैमरा दोनों ऑन रहने दो, उसको छूना ही नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। बैकग्राउंड जो आपका ब्लर हो रहा है ना, बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, देखो आप लोग को एक टेक्निक बता रहा हूँ, बैकग्राउंड को अगर प्रॉपर रखना है ना तो आप प्लेन बैकग्राउंड के सामने बैठो, अगर आपको ब्लर करना है तो बैकग्राउंड, या फिर बैकग्राउंड में कुछ बैकग्राउंड ऐड करना है तो आप प्लेन एरिया में बैठो। जैसे मेरे बैकग्राउंड में देखो एक ही कलर मेंशन कर रहा है, ब्लू कलर की आ रही है ना, तो क्या हो रहा है कि मेरा बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर हो गया है, मेरी सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं। सूर्यांश आपके लिए और आदित्य अर्चन आपके लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसे फ़ोन रखो पोजीशन में कि पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा प्लेन में रहे, तो आप उसमें कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर दोगे तो आपका जो ये है ना फेस वो कट नहीं होगा, क्रॉप नहीं होगा, एंड अदरवाइज आप बैकग्राउंड का ब्लर हटा ही दो, क्योंकि आपका फेस जो है ना वो थोड़ा सा उस तरह का इंडिकेट करता है, पूरी चीज़ें आप भी छुप जाते हो उसमें। ठीक है तो शुरू करते हैं आज के एक रिटर्न असाइनमेंट को लेकर। तो एडवांस 1 में आप लोगों को 101 का होगा, पेज नंबर 3 में, कम्युलेटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ना, कम्युलेटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लेवल 5 वालों के लिए, और आपके लिए सॉरी लेवल 3 में जो है, सॉरी लेवल 6 में जो है आपके पेज नंबर 3 पे 151 टू आगे का जो है नंबर वो होगा। ठीक है यस सर, तो कम्युलेटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है आप लोगों को तो पता है, यस सर, कंटिन्यूअस नंबर होते हैं जिनको हमें आपस में ऐड करते जाना है क्रमानुसार। ठीक है, जैसे एज एन एग्जाम्पल 151 + 152 यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उसको जब आपस में ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा उसे हमें नीचे 153 के जस्ट सामने में लिखना है, जिससे वो आपस में ऐड होने के लिए रेडी हो जाए। फिर जो आपका आंसर आया है उससे आगे जो आंसर नंबर है उसके साथ में ऐड करना है, और इस तरह से कंटिन्यूअस हमें लास्ट तक जाना है। इज दैट ओके? पेज नंबर 3 ओपन कर लो, कम्युलेटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सभी को मिल गया? ठीक है, इसमें आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों को करना है। टोटल टाइम लिमिट इसमें 20 मिनट का है, बट लेकिन 20 मिनट में आप
कितना टाइम लोगे? आपके लिए चैलेंज है सर, 10 मिनट्स 10 मिनट्स। कितने लोग वेट वोट कर रहे हैं 10 मिनट को? 12। 12 मिनट्स। एंड चलो 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, ठीक है? यस 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देख लो अच्छे से। 15 मिनट्स आर देयर, यस ठीक है? शुरू करें? सर, चलो 3 2 1 स्टार्ट। सबसे पहले स्थान पे जिन्होंने पहले कंप्लीट किया है उनका है, सॉरी, आपकी टाइमिंग है 9 मिनट एंड 5 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स। एंड सेकेंड पे सूर्यांश, आपकी टाइमिंग क्या है? यस सर, 11 मिनट 35 सेकेंड। आदित्य, सर 11 मिनट 30 सेकेंड। ओके। एंड देन लास्ट में 13 मिनट 20 सेकेंड्स अर्चना, आपकी टाइमिंग है। मतलब टोटल मिला करके आप लोगों का जो एवरेज टाइम टाइम लाइन है इसको करने में दिया हुआ है 20 मिनट का टाइम, इसमें शायद दिया हुआ है ना, आप लोगों ने इसको अचीव किया 13 मिनट एवरेज टाइम में। दैट्स ए ग्रेट थिंग, यस सर, ठीक है? तो कितने लोगों का 100% करेक्ट हुआ है? 100% करेक्ट हुआ है, आंसर मैच कर गए। प्लीज़ रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। कितने लोगों का 100% मैच कर गया है? यस, आदित्य अर्चना आप दोनों का आ रहा है, गुड। चलो बहुत बढ़िया। एडिशन का तो सर हो गया है, सबट्रैक्शन में थोड़ा गलत हो गया था। हाँ, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो यस फोकस को मत हटाओ, आराम से करो सर, और इवन ट्राई करो कि जैसे अभी आपने, कितने लोगों ने अबेकस के माध्यम से किया है, विद अबेकस कितने लोगों ने किया है? यस सॉरी सूर्य, सभी ने विद अबेकस किया। ट्राई करो इसको विदाउट अबेकस करने का, ठीक है? सेम टाइम ड्यूरेशन में विदाउट अबेकस करने का। और इसको क्या करोगे आप, किस पे करोगे? नोटबुक पे करोगे, ओके? डेट डाल दो, आज की डेट डाल दो उस पर, डेट शीट पे। टाइम अपने डाल दिया ऑलरेडी, डेट डाल दो। डाल दिया? यस चलो बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, ठीक है? सिंपल सा 15 मिनट का नेक्स्ट टाइम लाइन है हमारे पास, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सॉरी, आपका लेवल 5 से ही क्वेश्चन आंसर होगा, और सूर्यांश एंड अदर टीम मेट्स आप लोगों की जो क्वेश्चन आंसर होगी वो भी लेवल 5 से होगा, सॉरी लेवल 4 से होगा, ओके? तो यस शुरू करें? यस चलो बढ़िया। ये क्वेश्चन आंसर सभी के लिए होंगे, ठीक है? सभी के लिए होंगे, इसलिए आंसर ध्यान से देना। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विद अबेकस क्वेश्चंस हैं, बट आप लोग विदाउट अबेकस भी कर सकते हो। द क्वेश्चन इज, जिसका आंसर आ जाए वो मुझे आंसर दे देगा फ्रैंकली, ठीक है? नो हैंड रेस, डायरेक्टली आंसर, और सिर्फ एक बार देना, जब तक मैं ना बोलूँ दोबारा रिपीट नहीं करना आपको। 64 -51 +75 28 -62 46 +78 102 389 +200 एंड द आंसर इज 869 869 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 +94 -56 22 -47 61 25 75 +219 -115 +319 एंड द आंसर इज 636 636। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेट। 27 53 -51 89 76 -55 -20 86 341 125 -168 एंड दैट इज
503 503 फाइव वाई यस जीरो सर 3 3 503 यस करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? फिफ्टी यस सर सिक्स माइनस 29 प्लस 45 12 माइनस 39 43 माइनस 76 241 प्लस 109 प्लस 315 एंड दैट इज 6 7 7 6 6 9 677. कितने लोगों का है? यस यस 677 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम विद अबेकस. 21 प्लस 98 माइनस 76 25 माइनस 19 प्लस 60 19 51 201 प्लस 610 प्लस 362 एंड दैट इज 1352 करेक्ट. 1352 कितने लोग का है? सर यस 1352 इज द राइट आंसर. जिनका 1352 आया सिर्फ वही हैंड रेज करें विदाउट अबेकस. रेडी? थोड़ा सा फास्ट होगा ये, ध्यान रखना. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस 5 प्लस 72 प्लस 85 माइनस 2 प्लस 31 20 माइनस 9 माइनस 11 प्लस 2 दैट इज 194 करेक्ट. 194 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर? 3 प्लस 2 प्लस 19 माइनस 18 प्लस 3 20 प्लस 89 प्लस 4 15 प्लस 6 एंड द डेज 143 153 129 इज द राइट आंसर. रिपीट. यस सर 2 यस 19 3 माइनस 18 3 20 प्लस 89 4 15 प्लस 5 दैट इज 125 128 इज द राइट आंसर. 128 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस गाइस फोकस. क्लियर? 6 प्लस 4 26 माइनस 12 9 प्लस 41 माइनस 34 7 28 माइनस 9 दैट इज दैट इज मैं रिपीट कर रहा हूं बीच में रिपीट कर रहा हूं. क्लियर? 6 4 26 माइनस 12 9 प्लस 41 माइनस 34 7 28 माइनस 9 एंड दैट इज 126 द आंसर इज 66. ऑल आंसर इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये आपके लास्ट प्रैक्टिसेस को इंडिकेट करता है राइट? तो हैप्पी हो जाओ. यस मैंने मेहनत किया था और ये मुझे फल मिल रहा है. बोलो ये मेरे फलों का मेरे कर्मों का फल है. बोलो एक बार बोलो बोलो ये मेरे कर्मों ऐसे हाथ लाओ ऐसे हाथ आगे लाओ. ये मेरे ही कर्मों का फल है. अपने हाथों को देखते हुए बोलो ये मेरे ही कर्मों का फल है. ये मेरे ही कर्मों का फल है और इसे मैं ही सुधारूंगा और इसे मैं ही सुधारूंगा. यस दैट्स ग्रेट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए. सो रेडी हो? फोकस. यस यस सर. क्लियर? 2 प्लस 5 प्लस 68 प्लस 19 माइनस 5 माइनस 61 10 प्लस 4 माइनस 16 प्लस 2 दैट इज 18 18. कितने लोग 18 आया है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. क्लियर क्लियर क्लियर. रेडी? 2 5 प्लस 68 प्लस 19 माइनस 5 माइनस 61 प्लस 10 4
-16 प्लस टू दैट इज 18 28 28। मुझे मेरा आंसर मिल गया, 28 इज द राइट आंसर। देखो विजुलाइज तो हो रहा था आंसर, बट एक बीट थोड़ा नीचे ही छूट गया, सॉरी से। ठीक है, 28 इज द आंसर। द लास्ट वन इज क्लियर। फोकस फोकस, अभी भी मौका है, मार सकते हो चौका आप लोग। द क्वेश्चन इज 9 + 8 + 27 - 16 + 9 + 53 20 + 8 - 12 + 1 दैट इज 85 69 104 नॉट बेस्ट। कितना है? 95 नाइन्टी फाइव 58 65 सिक्सटी फाइव और किसी का, और 104 किसी का, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, ऐसे में प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर। 9 + 8 + 27 - 16 + 9 + 53 + 20 + 8 - 12 + 1 दैट इज 131 107 इज द आंसर। तालियां। क्लोजिंग बहुत शानदार रही, क्लोजिंग बहुत शानदार रही, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस को डील किया और एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। राइट, ये मेरे ही कर्मों का फल है। मुझे गैप नहीं करना था आप लोगों की क्लासेस, और मुझे सिर्फ स्कूल के भरोसे आप लोगों को नहीं छोड़ना था। ठीक है, मुझे आपके भावनाओं का ध्यान नहीं रखना था, मुझे आप लोगों की छुट्टी एक्सेप्ट नहीं करनी थी, आप लोगों को लीव नहीं देना था। तो ये मेरे ही कर्मों का फल है जिसे मैं ही सुधारूंगा। राइट, तो बेटे लोग ध्यान दो, ट्रेनिंग थोड़ी सी टफ होगी आप लोगों को। आप लोगों को संडे तक का टाइम है, ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए प्रैक्टिकल आज मैं आप लोग को असाइनमेंट एक और दे रहा हूँ, ये दूसरा असाइनमेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। लास्ट का तो आपका पेंडिंग है ही, बट ये आपका दूसरा असाइनमेंट हो जाएगा। आप लोगों को डिक्टेशन, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, पेरेंट क्वेश्चन करेगा, इस बार आपका भाई बहन कोई नहीं, पेरेंट क्वेश्चन करेगा। ठीक है, पेरेंट क्वेश्चन करेगा और उसको आप लोग सॉल्व करोगे और उसके आंसर्स आपको देना है ऑन वीडियो। क्लियर है सभी को बोल रहा हूँ? हाँ जी, पेज नंबर आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो। ठीक है, पेज नंबर नाइन में ओरल क्वेश्चन है, ओरल ओरल क्वेश्चन है बेटा, दोनों है, ओरल सेक्शन मिल रहा है, ओरल क्वेश्चन है उस पे, पेज नंबर नाइन में। किस किस पेज पे है? सेवन में है, चलो सेवन ले लो आप लोग, लेवल फाइव वाले पेज नंबर सेवन, और सॉरी आपके लिए पेज नंबर नाइन। ठीक है, टोटल फाइव 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 विद अबेकस एंड फाइव विदाउट अबेकस क्वेश्चंस है। डिपेंड आप पे करता है कि आप किसको प्रेफर करते हो, विदाउट को भी, विद को भी आप विदाउट कर सकते हो या फिर नहीं, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। ओके, हाँ जी बोलो। सर लेवल 6 में 9th पेज पे डेसिमल क्वेश्चन है। अच्छा, 9 पे डेसिमल क्वेश्चंस हैं, जस्ट सेकेंड, यस पेज नंबर सेवन। सर, ठीक है, पेज नंबर सेवन हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। चलो बढ़िया। पेज नंबर सेवन दोनों के लिए, पेज नंबर सेवन लेवल फाइव और लेवल सिक्स दोनों के लिए, पेज नंबर सेवन का ये भी आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट है जिसे आपको अपने पेरेंट के साथ में परफॉर्म करना है। आपको आंसर पहले से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है और विद आंसर आपको पेरेंट को देना है। ठीक है, कोई भी यस सर,
ध्यान रखना आपके पेरेंट के द्वारा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई बहन को बैठा करके करा लिया, ऐसा नहीं। आपको पापा को बोलना है, मम्मी को बोलना है कि मुझे आपका 10 मिनट का टाइम चाहिए, तो चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ जी। और दूसरा फिर उसी के बाद आप लोग एक फीडबैक ले लेना कि मम्मी पापा आप बताओ, फेयर बताओ मेरे को, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा। ठीक है, सर के लिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, सीधे बोलना, सर के लिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे जानना है कि मेरा कर्म कैसा है, मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। मुझे भी इस चीज़ों का हो रहा है कि मैंने आप लोगों को इतनी ढील दी, तब जा करके ये मुझे देखना पड़ रहा है। बट इस चीज़ का ध्यान रखो, इसको हम ही सुधार सकते हैं, मैं खुद सुधार सकता हूँ, आप अपने लिए खुद सुधार सकते हो, क्योंकि मेरे अलावा कोई मेरे लिए मेहनत नहीं कर सकता। क्लियर है ना? ज़्यादा टफ तो नहीं है, इतने सीरियस क्यों हो गए? हाँ, नो सर, नो सर, नो, कितने लोग को मज़ा नथिंग। आएगा, कितने लोग को मज़ा आएगा, कितने लोग एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए? एक बार बोलो, हाउ इज़ द जोश, हाउ इज़ द जोश? हाई सर आई बोल एम एक्साइटेड। दे। एक बार कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सॉरी, पीछे देख रहा कोई है तो नहीं। हाउ इज़ द जोश? हाय सर, सांस दबा के बोलो, पड़ोसी सुन ना ले। हाउ इज द जोश? चलो एक बार क्लैपिंग कर लो अपने लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पता है, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर में, आप लोग कर लोगे। आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, पता है, आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, और सुपर सुपरमैन से भी ऊपर हो आप लोग। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब आप बारी आती है क्वेश्चन एंड आंसर की। तो किसी को भी किसी तरह की क्वेश्चंस हैं तो आप लोग रख सकते हो। असाइनमेंट आप लोग को पता है, पर डे 10 मिनट 2 पेजेस, आप लोग को पता है ना, पर डे 10 मिनट 2 पेजेस रूल मालूम है ना? हाँ, तो रूल को इम्प्लीमेंट करना है हमें, बीच में ढीलापन नहीं रखना है। पर डे आप करो और मुझे शेयर करो, जितने लोग शेयर करेंगे वो और मज़ेदार होगा। ओके, हाँ यस जी। तो किसी को क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप लोग बोल सकते हो, आप लोगों का वेलकम है।